दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 19, एक्सरसाइज 7.2। वी आर हैविंग द स्टेटमेंट इंटीग्रेट ई टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर 2x प्लस 1। ऐसे क्वेश्चंस में आपने ध्यान रखना है कि हमें जो है इसको इस फॉर्म में बनाना है कि ई टू द पावर सेम पावर प्लस ई टू द पावर सेम पावर डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर इन बोथ केसेस। तो व्हाट वी विल डू फॉर दिस क्वेश्चन इज हम इसको ई टू द पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ई टू द पावर माइनस एक्स से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू हैव टू डिवाइड इट ऑल्सो। तो ई टू द पावर माइनस एक्स से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना है हमने न्यूमिरेटर को। सो व्हाट वी विल हैव ई टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। ब्रैकेट्स ओपन कर लोगे सो यू विल बी हैविंग माइनस एक्स प्लस टू एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है, पावर्स विल बी एडेड। सो दिस विल बी ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन ई टू द पावर दिस इज अगेन एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। अब सेम पावर्स के साथ हमारा यहाँ बन गया ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। अब अगर मैं इसको देखूं तो इसका डेरिवेटिव मेरा न्यूमिरेटर में बन रहा है तो इसको मैं टी पुट कर दूंगी। सो पुट ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू माइनस 1, तो यहाँ नेगेटिव साइन हो गया, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx इसको रिप्लेस कर देंगे dt से। 1 अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x को रिप्लेस कर दोगे आप t से। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t यू नो दैट इज log ऑफ t, तो दिस इज इक्वल टू log ऑफ t प्लस c। t जो है अगेन t की टर्म्स में हमने आंसर नहीं छोड़ना, तो इसको अगेन रिप्लेस करोगे आप, सो यू विल बी हैविंग लॉग ऑफ ई टू द पावर दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी एंड दिस विल बी योर आंसर। सो एक चीज का जब ई टू द पावर की टर्म्स में इंटेग्रल आपका आता है यू हैव टू टेक केयर ऑफ कि हमने इसको इस वे में बना लेना है कि ई टू द पावर जो भी है पावर्स यहाँ पे सेम होंगी और साइन यहाँ पे उल्टे होंगे। अगर ऊपर प्लस है नीचे माइनस होगा, अगर नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस होगा। अब सी योर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास स्टेटमेंट में है ई टू द पावर 2x माइनस ई टू द पावर माइनस 2x अपॉन में ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर माइनस 2x। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूं तो e की पावर्स सेम है ऊपर नीचे, मेरे पास चारों जगह ये सेम चीज है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइंस है। तो डिनोमिनेटर को आपने क्या करना है, पुट कर देना है इक्वल टू t। सो दिस विल बी e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x इज इक्वल टू t। इसको मैंने t पुट कर दिया, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स करोगे e टू द पावर 2x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 2 प्लस e टू द पावर माइनस 2x, माइनस 2x का डेरिवेटिव इज माइनस 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहाँ पे वैसे अगर हम करते हैं तो डी टी अपॉन डी एक्स आता है, ये वाला जो अपॉन वाला डी एक्स है वो मैंने इधर लिख लिया। अब जो मुझे यहाँ चाहिए दैट इज e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x, जबकि मेरे पास यहाँ पे 2 भी है इसके साथ, तो ये 2 हम कॉमन लेके उधर ले जाएंगे। सो दिस विल बी e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x इनटू dx दैट इज हाफ ऑफ dt। अब रिप्लेसमेंट कर दो, इसकी रिप्लेसमेंट हो जाएगी आपकी विद हाफ ऑफ dt, हाफ कॉमन ले लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, तो dx की जगह आ गया डी टी। 1 अपॉन ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर माइनस 2x की जगह टी, सो दिस इज हाफ ऑफ लॉग टी, टी को अगेन आप रिप्लेस कर दोगे, सो दैट इज हाफ ऑफ लॉग ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर माइनस 2x प्लस सी। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 20।
So if any of the doubts is there in any of these questions, you can ask for. Otherwise, moving on to question number 21. Question number 21 mein, we are having tan square of 2x minus 3. एक चीज का आपने ध्यान रखना है यहाँ पे, अगर सिंपल हमें इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, जैसे यहाँ पे टेन विद पावर टू गिवन है, तो उसका आप डायरेक्ट जो है इंटेग्रल नहीं ले सकते. टेन स्क्वायर का इंटेग्रल आप डायरेक्ट टेन क्यूब एक्स अपॉन एक्स नहीं ले सकते, या टेन क्यूब एक्स अपॉन थ्री नहीं ले सकते. तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटू सम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक जिसका हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट है. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 21, टेन स्क्वायर 2x माइनस 3. और दूसरी तरफ जो 2x माइनस 3 है, क्योंकि लीनियर फंक्शन है अदर देन x है समथिंग, तो इसको मुझे सब्सटीट्यूट करके करना पड़ेगा. तो पहले मैं इसी को चेंज करूंगी, पुट 2x माइनस 3 इक्वल टू t. तो यहाँ से आ जाएगा 2dx इज इक्वल टू dt, यानी कि dx इज हाफ ऑफ dt. तो यहाँ रिप्लेसमेंट हो गई हाफ, क्योंकि कांस्टेंट है, मैंने इंटेग्रल से बाहर लिख दिया. टेन स्क्वायर मेरा एज इट इज रहेगा, इसको मैंने रिप्लेस किया 2x माइनस 3 को t से, और dx की जगह आ गया यहाँ पे हाफ, मैं ऑलरेडी बाहर लिख चुकी हूँ dt. अब ये बन गया. अब इसका डायरेक्ट टेन क्यूब t अपॉन 3 नहीं लेना है आपने. टेन स्क्वायर को आई नो द आइडेंटिटी सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 वाली, और सीकेंट स्क्वायर का इंटेग्रल मुझे पता है दैट इज tan. तो इसको मैं पहले कन्वर्ट करूंगी सीकेंट स्क्वायर की फॉर्म में, एंड देन आई विल कंटिन्यू. तो tan स्क्वायर t जो है इसको मैं रिप्लेस कर दूंगी सीकेंट स्क्वायर t माइनस 1 से. सो दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ सीकेंट स्क्वायर t माइनस 1, इसका इंटेग्रल है. अब इन दोनों का सीकेंट स्क्वायर का इंटेग्रल इज tan t, माइनस 1 है, माइनस 1 का इंटेग्रल आई नो दैट इज t, और प्लस सी साथ में आपने लेना ही लेना है. सो हाफ ऑफ टेन टी माइनस टी प्लस सी, लेकिन टी जो है उसकी रिप्लेसमेंट अभी करनी है हमने, तो टी को हम रिप्लेस कर देंगे 2x माइनस 3 से. सो दिस इज हाफ ऑफ टेन 2x माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3 प्लस सी. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 21. तो यहाँ सिर्फ ये ध्यान देना है आपने, मेन ये चीज है कि टेन स्क्वायर वाली अगर मेरे पास टर्म बनती है, टेन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटेग्रल मैं नहीं ले सकती, क्योंकि डायरेक्ट मेरे पास इसका कोई फॉर्मूला नहीं है. तो टेन स्क्वायर को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा. सीकेंट स्क्वायर का मेरे पास फॉर्मूला है, वन का भी मेरे पास इंटेग्रल है डायरेक्ट. तो टेन स्क्वायर में मैंने आइडेंटिटी लगा दी सीकेंट स्क्वायर टी माइनस 1, उसके बाद आपने इसका इंटेग्रल लिया एंड यू हैव गॉट योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 22 बिल्कुल सिमिलर है. इसमें आपको ऑलरेडी वो सीकेंट स्क्वायर के फॉर्म में गिवन है, तो सिंपली यू आर टू रिप्लेस 7 माइनस 4x विद t, और डायरेक्ट आप इसको कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 23 इज एग्जैक्टली सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 23 अगेन. साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर. साइन इनवर्स x का आपको पता है, अगर मैं डेरिवेटिव लेती हूँ तो दैट इज रूट 1 माइनस x स्क्वायर. तो इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स को आप टी पुट करेंगे, देन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, एंड देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस. सो दिस इज योर होमवर्क पार्ट. क्वेश्चन नंबर 24 वी आर डिस्कसिंग नाउ. क्वेश्चन नंबर 24 में वी आर हैविंग 2 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन 6 कॉस एक्स प्लस 4 साइन एक्स. इसका इंटेग्रल अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 6 है और यहाँ पे हमारे पास 4 है. हमने क्या करना है, इस 6 cos 4x plus 6 cos x plus 4 sin x को हम t पुट कर देंगे. जब हम इसका फर्दर फिर डेरिवेटिव लेंगे तो कॉमन लेके हमारे पास जो न्यूमरेटर है वो सेम चीज आ जाएगी. तो हमने, क्योंकि यहाँ देखो 2 जो है वो 4 का डबल है आपका कॉस के साथ है, 6 जो है वो 3 का डबल है साइन के साथ है. तो डिनोमिनेटर को हम इक्वल टू टी पुट करेंगे. सो पुट 6 कॉस एक्स प्लस 4 साइन एक्स इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स. यहाँ पे हो जाएगा कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स,
फोर एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। आप चाहो तो एक स्टेप इंक्रीज कर सकते हो इसको, डी टी अपॉन डी एक्स लिख के फिर नेक्स्ट स्टेप में इधर ले आओ, मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब यहाँ से मैंने टू कॉमन लिया, सो दिस इज -3 sin x +2 cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। नाउ यू कैन सी 2 cos x देन -3 sin x एंड डी एक्स। तो ये वाला टू हम उधर ले जाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उधर जाके डिवाइड करेगा। यहाँ ए प्लस बी वाली जो फॉर्म थी मैंने उसको बी प्लस ए वाली फॉर्म में लिख लिया, सो दिस इज हाफ ऑफ डी टी। अब ये वाली वैल्यू हम ये रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे, तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन वन ले लेना इसको, हाफ कॉन्स्टेंट है मैंने बाहर ले लिया, सो दिस इज हाफ अपॉन और 6 cos x +4 sin x जो मेरा था दैट इज इक्वल टू टी। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/t जो है दैट इज लॉग ऑफ टी, अगेन टी को आप रिप्लेस कर दोगे एंड देन यू विल गेट योर आंसर, सो हाफ ऑफ लॉग टी। यहाँ मॉड का साइन जरूर डालना है ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि टी जो है वो हमें इस तरीके से चूज करना है दैट इट शुड बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी। सो हाफ ऑफ लॉग टी को आप रिप्लेस कर दोगे 6 cos x +4 sin x से प्लस सी। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 अगेन आई एम गिविंग यू द हिंट, यू आर टू डू इट योरसेल्फ। 1 cos² x जो है यू नो दैट कैन बी रिटन एज secant² x, और अपॉन में ही है हमारे पास 1 - tan x² होल का स्क्वायर। तो हमने क्या करना है, 1 cos² को रिप्लेस कर देना है secant² से, और अपॉन में आ गया मेरे पास 1 - tan x होल स्क्वायर। अब मुझे पता है टेन का जो डेरिवेटिव है दैट इज secant², तो हम क्या करेंगे 1 - tan x को टी पुट कर लेंगे। 1 - tan x को जब आप टी पुट करोगे उसका डेरिवेटिव लोगे तो दैट विल बी secant² x एंड देन यू विल प्रोसीड। तो टी 1/t² का इंटेग्रल बनेगा, टी 1/t² का इंटेग्रल जो है आप जब सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करने के लिए टी की पावर -2 लिख लोगे इसको एंड देन पावर फॉर्मूला लगा दोगे एंड दिस विल बी योर आंसर। टी को रिप्लेस कर दोगे 1 - tan x से एंड यू विल गेट योर आंसर। देन 26 क्वेश्चन में यू विल पुट √x इज इक्वल टू टी एंड देन यू विल सिंप्लीफाई दिस योर सेल्फ। √x को आप टी पुट करोगे तो जो डिनोमिनेटर वाला √x है वो आपका रिप्लेस हो जाएगा, कॉस टी रह जाएगा, कॉस टी का आप इंटेग्रल ले लोगे एंड यू विल गेट योर आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में वी आर हैविंग √sin 2x एंड cos 2x। This is √sin 2x cos 2x dx। अब यहाँ ध्यान दो कि जो हमारा sin 2x है वो रूट के नीचे है, cos 2x है जो सिंपली है, तो सिंपली और दोनों का आपस में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। तो हमने क्या करना है, जो हमारे पास रूट के नीचे होता है टर्म उसको ले लेते हैं। अब इसको अगर मैं चेक करूँ तो साइन का जो डेरिवेटिव है मेरा वो कॉस बनता है, और दोनों के जो एंगल्स हैं वो सेम हैं तो ऑब्वियसली इसका डेरिवेटिव इस फॉर्म में आएगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड बाय सम कांस्टेंट साथ में होगा तो वो हम ले लेते हैं। यानी कि अब इस केस में हम क्या करेंगे, रूट जो हमारा sin 2x है इसको हम पुट करेंगे टी, इसको टी पुट करोगे तो ये आपका dt/2 से रिप्लेस हो जाएगा एंड देन इसका आप डेरिवेटिव लोगे √t वाला, अगेन पावर फॉर्मूला लगेगा, देन टी को रिप्लेस कर दोगे फिर से एंड यू विल गेट योर आंसर। अब इसी में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हमारा जो है एक फॉर्मूला बन जाता है कि अगर मुझे यहाँ पे गिवन है f(x^n), यानी कि फंक्शन raised to power n, और वो मल्टीप्लाई हो रहा है विद इट्स डेरिवेटिव, तो इसका जब हमने इंटेग्रल लेना होता है दैट इज गिवन बाय f(x^n+1) अपॉन n+1+c। तो ये आप अगर चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो।
अदरवाइज आप साइन 2x को टी पुट करो, एंड देन जैसे हम अभी तक क्वेश्चंस करते आ रहे हैं, यू आर टू प्रोसीड इन द सेम. तो बोथ ऑफ द आंसर्स विल बी करेक्ट. नोट डाउन दिस फॉर्मूला, दोनों से करके देख लेना, फिर आपको जो इजी लगेगा यू कैन गो फॉर दैट मेथड. एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर एन मल्टीप्लाइड बाई इट्स डेरिवेटिव, अगर हम इसका इंटेग्रल लेते हैं तो दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 28. क्वेश्चन नंबर 28 में वी आर हैविंग कॉस एक्स अपॉन रूट वन प्लस साइन एक्स. तो ये सिंपल है, ये एनी वन ऑफ यू कैन ट्राई दिस आप में से, क्योंकि अब हम बहुत सारे क्वेश्चंस इस टाइप के कर चुके हैं. एनी वन ऑफ यू कैन अनम्यूट, आई एम गिविंग यू द ऑप्शन एंड नाउ यू कैन टेल मी द आंसर. काम्या विल यू ट्राई? सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड है बेटे, किसको कहाँ क्या पुट करना है दैट यू आर टू टेल. कृतिका, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ. तनवीर, सो नो रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड, तो इट डज मीन दैट यू पीपल आर नॉट देयर. चरणजोत, विल यू ट्राई बेटे? हाँ जी, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ बेटे, आई हैव गिवन द ऑप्शन. योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल चरण. काम्या, मैम 1 + sin x को टी ले लेंगे, देन उसके बाद हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स बी टी की इक्वल होगा. इंटेग्रल का साइन नहीं लगाना है बेटे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दिस इज द साइन ऑफ इंटेग्रल. हां जी, देन उसके इंटेग्रल ऑफ कॉस एक्स बाय 1 + sin x इंटू डी एक्स था, तो ये हो जाएगा इंटेग्रल ऑफ डी टी बाय रूट टी. ठीक है, नेक्स्ट. फिर उसके बाद टी रेस्ट टू बार 1/2 ओवर 1/2 प्लस सी. टी रेज टू पावर 1/2 हमारे पास डिनोमिनेटर में है, दिस इज 1/T रेज टू पावर 1/2. पहले इसको ये स्टेप लिखोगे, फिर आप जो कह रहे हो दैट वन इज करेक्ट, कि जब आप इसमें प्लस वन करोगे तो टी रेज टू पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस सी. मैंने यहाँ प्लस सी सी इंटेग्रल के साथ लगा दिया. नेक्स्ट स्टेप में जो आप कह रहे हो दैट वन इज करेक्ट, टी रेज टू पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस सी, इट्स करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉट एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 29, कॉट एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स. यस मानविया, Yes, ma'am. Can you write it a little? Thank किसको टी पुट करें, कॉट एक्स you, को या ma'am. लॉग ऑफ साइन एक्स को, किसको टी पुट? Log of यस, लॉग ऑफ साइन एक्स को हम क्या करेंगे, टी पुट कर देंगे. सो द नेक्स्ट स्टेप, डिफरेंशिएट करो. साइन एक्स 1/sin x इज इक्वल टू डी टी.
वन बाय साइन एक्स हो गया लॉग का डेरिवेटिव, अब साइन एक्स इज फर्दर डिफरेंशिएबल, हाँ माइ इनटू माइनस कॉस एक्स, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स कॉस एक्स इज कॉस इक्वल टू डी टी, एक्स। नाउ कॉस अपॉन साइन हो गया आपका कॉट, कॉट एक्स इज इक्वल टू डी टी, एंड देन वी सब्सटीट्यूट इन इट. अब ये कॉट एक्स डी एक्स आप सब्सटीट्यूट कर दोगे, सो दिस विल बी लॉग ऑफ साइन एक्स को रिप्लेस किया मैंने टी से, कॉट एक्स डी एक्स रिप्लेस हो गया आपका डी टी से, सो वी आर लेफ्ट विद इंटेग्रल ऑफ टी एंड डी टी। टी का इंटेग्रल यू नो दैट इज टी स्क्वायर बाय टू, टी की रिप्लेसमेंट करेंगे लॉग ऑफ साइन एक्स से एंड यू विल गेट योर आंसर। सो योर आंसर विल बी लॉग ऑफ साइन एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस c। सो दिस विल बी योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, सिंपल है ये भी, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस cos x है, तो यू विल पुट 1 प्लस cos x इक्वल टू टी, तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास माइनस साइन एक्स डी एक्स एंड देन यू विल प्रोसीड। क्वेश्चन नंबर 31 अगेन सिमिलर है, 1 प्लस cos x को आप टी पुट करोगे तो ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है उसका। क्वेश्चन नंबर 32 ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा अलग तरह का है। क्वेश्चन नंबर 32 वी आर हैविंग 1 अपॉन 1 प्लस cot x इनटू dx। अगर मैं 1 प्लस cot x को t पुट करती हूँ तो ऊपर मेरे पास जो है उसका डेरिवेटिव नहीं बन रहा, तो इट मींस यहाँ मैं डायरेक्ट जो है पुट नहीं कर सकती। सो व्हाट आई विल डू, आई विल कन्वर्ट दिस cot x टू साइन एक्स एंड कॉस एक्स। इस cot x को मैं साइन एक्स और कॉस एक्स में कन्वर्ट करूंगी, सो दिस विल बी 1 अपॉन 1 प्लस cot इज cos अपॉन साइन, देन हम एलसीएम ले लेंगे। इंटू डी एक्स, ये साइन एक्स अगेन आपका ऊपर चला जाएगा। अब फिर से यहाँ पे नोट करो कि अगर मैं फिर देखूं डिनोमिनेटर को तो मेरे पास ऊपर उसका न्यूमिरेटर जो है वो उसका डेरिवेटिव नहीं बन रहा है, तो इट मींस अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा कि साइन के साथ प्लस कॉस एक्स बने। अब अगर मैं यहाँ प्लस कॉस एक्स करूंगी तो मुझे माइनस कॉस एक्स भी करना पड़ेगा। इन केस अगर मैं ऐसे लेके चलती हूँ कि मैंने यहाँ पे प्लस कॉस एक्स कर दिया, माइनस कॉस एक्स कर दिया और अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को अगर मैं इसके साथ और इसके साथ ले लूँ, यानी कि एलसीएम अगर मैं इनका स्प्लिट कर दूँ, तो अगेन मेरे पास कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फिर मैं यहाँ फंस गई। इट मीन्स ये तो लूप चलता जाएगा अगर मैं बीच में प्लस माइनस करती रहूंगी, तो ये लूप अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाला जो हमारा साइन एक्स है इसको डबल कर लेंगे। इसको डबल करने के लिए 2 से मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ दिस साइन 2 sin x जो है मेरा, इसको मैं साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख सकती हूँ। अब साइन भी मेरे पास 2 हो गए, अब साथ में क्या करेंगे, प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, तो अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज। अब एक साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ले लोगे एंड देन यू विल प्रोसीड। अब इस तरह के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, यहाँ डी एक्स आएगा साथ में, सो दिस इज हाफ ऑफ, एक मैंने प्लस के साथ ले लिया और एक मैंने ले लिया माइनस के साथ। तो मेरा ये इंटेग्रल बन गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, सो दिस इज हाफ, ये सेम है तो कैंसिल आउट होके दिस विल बी 1 प्लस sin x माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसका इंटेग्रल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसके इंटेग्रल के लिए हम क्या करेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी पुट कर देंगे, इनको मैं अलग अलग लिख रही हूँ,
यहाँ तो हाफ है, तो हाफ का इंटेग्रल विल बी हाफ ऑफ टी, योर टी बाई टू हो गया, प्लस ये हाफ एज इट इज रहा। यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हमने टी पुट किया, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, डीएक्स इज इक्वल टू डीटी। अब यहां से मैं माइनस साइन कॉमन लूंगी, तो दिस विल बी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डीएक्स इज इक्वल टू डीटी। ये वाला नेगेटिव साइन यहाँ से हटके डीटी के साथ आ जाएगा। तो अब ये मेरा जो है स्टेटमेंट किस में रिड्यूस हो गया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डीटी इज डीएक्स इज माइनस डीटी। तो ये नेगेटिव साइन मैंने यहाँ लिख दिया, ये dt अपॉन 1 बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज t। साइन एक्स और कॉस एक्स को मैंने रिप्लेस कर दिया t के साथ। सो दिस इज t बाय टू एज इट इज माइनस, यहाँ पे चाहे आप इसका प्लस c डैश इधर करके नेक्स्ट स्टेप में प्लस c कर देना, उसको दोनों कॉन्स्टेंट ऐड हो जाएंगे। माइनस हाफ एज इट इज, 1 बाय टी जो है दैट इज डेरिवेटिव ऑफ लॉग टी, तो 1 बाय टी का इंटेग्रल इज लॉग ऑफ टी प्लस सी। अब टी जो है दैट इज यहाँ पे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, यहाँ पे एक्स था, मैंने टी लिख दिया है, हेयर इट इज एक्स, तो एक्स बाय टू बनेगा ये, क्योंकि एक रिप्लेसमेंट हमने की है। सो इस तरह की मिस्टेक्स आपसे भी हो सकती हैं एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर दीज। माइनस हाफ ऑफ लॉग टी को रिप्लेस कर देंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, सो दिस विल बी योर आंसर, एक्स बाय टू माइनस हाफ ऑफ लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट वे में है, तो आपने ये ध्यान रखना है, कॉट को हम रिप्लेस करेंगे कॉस और साइन से, देन एलसीएम लेंगे, ये न्यूमिरेटर में चला जाएगा, ये चीज बन गई। उसके बाद मेन स्टेप है टू से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, फिर टू साइन एक्स जो हमारा आया उसको साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिखा, डिनोमिनेटर में साइन एक्स के साथ कॉस एक्स ऐड हो रहा था, हमने अगर ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, बिकॉज स्टेटमेंट हम अपने पास से चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्लस कॉस एक्स एंड माइनस कॉस एक्स। अब एक बार हमने साइन को प्लस वाले के साथ ले लिया, एक बार माइनस वाले के साथ लिया, उसके बाद एलसीएम ओपन करके, एंड देन जो हमारा ये फर्स्ट टर्म थी वो दोनों टर्म्स न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर में सेम थी, सो दिस इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया एंड देन वी हैव सिंप्लीफाइड फॉर द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन नंबर 33 है, दैट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दिस। वहां पे 1 अपॉन 1 माइनस टेन एक्स है, टेन को कन्वर्ट करोगे साइन कॉस में, तो सेम वे में 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करोगे, उसमें आपका ऊपर कॉस एक्स होगा, तो 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करके बिल्कुल सेम स्टेप्स आप फॉलो करोगे एंड यू विल गेट योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में वी आर गिवन रूट टेन एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। कोई ट्राई कर सकते हैं इसको, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, मुश्किल नहीं है। रूट टेन एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, यू कैन रेज योर हैंड्स इफ यू आर अनेबल टू अनम्यूट योरसेल्फ। वैसे मैंने ऑप्शन दी हुई है आपको अनम्यूट करने की, इफ यू आर अनेबल टू अनम्यूट देन यू कैन रेज योर हैंड। रूट टेन एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, हिंट दे देती हूँ मैं, टेन को साइन कॉस में कन्वर्ट करो। टेन को साइन और कॉस में जब आप कन्वर्ट करोगे तो वी विल बी हैविंग रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स, और ये साइन एक्स कॉस एक्स एज इट इज। अब ये हमारे पास बन जाएगा 1 अपॉन रूट साइन एक्स रूट कॉस एक्स डीएक्स। अब इससे मुझे बताओ ये हो सकता है, इज इट पॉसिबल टू डू दिस इन दिस वे, क्योंकि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसमें साइन एक्स है कॉस एक्स है, क्योंकि यहाँ पे जो मैं आपको ऐसे बता रही हूँ तो इसमें साइन भी डिनोमिनेटर में है कॉस भी डिनोमिनेटर में है, वन ऑफ द थिंग्स शुड बी इन द न्यूमिरेटर, एंड वन मोर मिस्टेक, यहाँ कॉस एक्स टू द पावर 3/2 बनेगा।
So we are to go for some other method. Any one of you can tell, try. क्योंकि यहाँ पे न्यूमिरेटर में इसका डेरिवेटिव नहीं बन रहा, सो इट मीन्स वी कैन नॉट गो फॉर दिस रूट टेन एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, क्योंकि एकदम से माइंड में यही चीज स्ट्राइक करती है कि टेन को साइन कॉस में कन्वर्ट करके वी कैन गो, बट टेन को कन्वर्ट करके यहाँ पे नहीं हो रहा, तो एनी वन ऑफ यू कैन ट्राई रूट टेन एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स. Any one of you can unmute yourself and tell me the solution. Be quick. I have given you the option to unmute. Hurry up, Charanjot, will you try? Yes, Charanjot. Kamya. Yahan pe hum, okay, we will not go for this method. What we will do? हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें ये पता है कि साइन अपॉन अगर हम कॉस लेके चलते हैं तो साइन अपॉन कॉस जो है हमारा दैट इज इक्वल टू टेन. तो हम क्या करेंगे, कॉस से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई. तो इस क्वेश्चन में वी विल डू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इनटू ये वाला कॉस एक्स एज इट इज और एक ये वाला कॉस एक्स डी एक्स. सो दिस विल बी 1 upon root 10x upon, अब देखो ये sin x upon cos x is again 10x and this cos into cos is cos square. अब next step में हम क्या करेंगे, ये root 10x और 10x आपका cancel out होके we are having 1 upon root 10x and 1 upon cos square is secant square x. Now you can tell. tan को t पुट करोगे तो ऊपर इसका न्यूमिरेटर आ रहा है, सो वी विल गो फॉर पुटिंग दिस tan x इक्वल टू t एंड ऊपर हमारा जो है वो dt से रिप्लेस हो जाएगा एंड देन आप इसका इंटीग्रल लेके t को रिप्लेस कर दोगे फिर से tan 2x से, रूट के साथ नहीं, tan x से रूट के साथ नहीं लेना, आपने इस चीज का ध्यान रखना है. फिर से देख लो, अगर मैं इसको डायरेक्ट साइन कॉस में कन्वर्ट करके करती हूँ, वो आपको मैंने बता दिया कि उससे जो है हमारा डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिरेटर में नहीं बन रहा. सो व्हाट वी विल डू, दिस इज रूट टेन एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स. हमने क्या किया, हमें पता है कि साइन को अगर हम कॉस से डिवाइड कर दें तो वी विल गेट टेन. तो साइन को हमने कॉस से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ा और ये वाला कॉस एक्स एज इट इज आ गया. कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स को हमने कॉस स्क्वायर लिखा, साइन अपॉन कॉस को हमने टेन लिख लिया. अब ये टेन रूट और विदाउट रूट जो टेन है आपकी ये कैंसिल आउट होके रूट टेन एक्स रह गया. वन अपॉन कॉस स्क्वायर इज सीकेंट स्क्वायर. अब टेन का डेरिवेटिव न्यूमिरेटर में बन रहा है, टेन को टी पुट करो एंड देन प्रोसीड. क्वेश्चन नंबर 35 में 1 प्लस लॉग एक्स को आप टी पुट करोगे. दीज क्वेश्चन यू विल ट्राई एट होम. क्वेश्चन नंबर 36 में x प्लस वन बाई एक्स को एक ब्रैकेट में ले लेना और x प्लस लॉग एक्स को दूसरे ब्रैकेट में ले लेना. x प्लस लॉग एक्स को जब आप t पुट करोगे तो वो सेकंड वाला ब्रैकेट आपका डेरिवेटिव बन रहा होगा. सो यू आर टू गो फॉर दिस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 36 में यू विल पुट x प्लस लॉग एक्स इक्वल टू t. एंड सेम क्वेश्चन नंबर 37 में tan इनवर्स x टू द पावर 4 को यू विल पुट इक्वल टू t. क्वेश्चन 38 एंड 39 यू विल डू योर सेल्फ. इनके जो आपके डाउट्स रह जाएंगे दैट वी विल डिस्कस टुमारो. हरसिमरन बेटे यू आर टू रीजॉइन द मीटिंग 9th बी. सो +2 इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क.